नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग हिंदी का अध्ययन करेंगे और ये वीडियो खास लेखपाल भर्ती के लिए बनाई जा रही है। जो भी छात्र लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं हिंदी की। तो जैसा कि आपको पता होगा लेखपाल के सिलेबस के विषय में 25 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे और शायद ये 25 क्वेश्चन जो हिंदी के हैं वो आपके सिलेक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो चलिए इसलिए यहाँ पर हिंदी का जो वीडियो है स्पेशल लेखपाल के लिए है। तो जो भी लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो जो बनाया जा रहा है आपका आदित्य पब्लिकेशन की बुक से बनाया जा रहा है और आपको कोई भी नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अगर आप इसको पढ़ते हैं निश्चित ही यहाँ से प्रश्न आपको 100% के 100% यहाँ से प्रश्न मिल सकते हैं। तो पहला वीडियो है और चलते हैं इसका अध्ययन करते हैं। आप ध्यान से सुनते रहिएगा और जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी आप उसको नोट भी कर सकते हैं, नहीं इस वीडियो को एक दो बार ज़रूर देखिएगा, आपको सारे के सारे कंटेंट समझ में आ जाएंगे। पहला अध्याय जो है हिंदी वर्णमाला एवं विराम चिन्ह के विषय में है और सबसे पहले वर्णमाला जो है जो हिंदी में 52 वर्ड हैं उन 52 वर्डों के विषय में समझते हैं। तो वह यहाँ पर वर्ण तालिका बनाई गई है, एक स्वर एक व्यंजन। तो देखते हैं स्वर कौन कौन से हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए स्वर की संख्या और व्यंजनों की संख्या जो दी गई है, तो यहाँ पर ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर की बात हो रही है। यहाँ पर देखिए आप ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, तो 4 ह्रस्व स्वर हैं और उसमें छोटा छोटी छोटा उ और री, ये चार आपके ह्रस्व। ह्रस्व मतलब होता है लघु, जो लघु छोटे स्वर हैं ह्रस्व स्वर आ ई उ और री आपके ह्रस्व स्वर की श्रेणी में आएंगे और दीर्घ स्वर की श्रेणी में बड़ा बड़ी बड़ा उ ए आए ओ और अ ये आपके दीर्घ स्वर की श्रेणी में आएंगे। अब आते हैं व्यंजन की बात करते हैं। तो व्यंजनों में देखिए स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, इतने प्रकार के व्यंजन आपको देखने को मिलते हैं। स्पर्श व्यंजन जो हैं वो 25 हैं, का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक। तो जो का खा गा घा अंगा ये 5-5 वर्णों का एक वर्ग बना दिया गया है, तो वही का खा गा घा अंगा एक का वर्ग के अंदर है, चा छा झा झा इया चा वर्ग के अंदर है। इस प्रकार से का से लेकर जो पा वर्ग तक है उसके स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 आती है, लेकिन ड और ढा जो द्विगुण व्यंजन या जिसको उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, इसको भी स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में जोड़ा जाता है, तो टोटल हो जाते हैं 27। आगे देखते हैं अंतस्थ व्यंजन क्या है, या रा लावा ये 4 व्यंजन जो हैं वो आपके अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में रखे जाएंगे। ठीक, अब उष्म व्यंजन क्या है, सा षष्ठी सा छोटा सा और हा ये 4 व्यंजन जो हैं वो उष्म व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। आगत व्यंजन क्या होते हैं, आगत व्यंजन 2 हैं ज और फा ये आगत व्यंजन की श्रेणी में रखे जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, तो छ त्र ज्ञ और स्र ये 4 जो हैं वो संयुक्त व्यंजन हैं। तो टोटल अगर वर्णों की संख्या देखें तो स्वर होते हैं 11 हिंदी में और व्यंजनों की संख्या 41 हो जाती है, टोटल वर्णों की संख्या 52 हो जाती है। ठीक, हाँ एक चीज़ और देख लेते हैं, छत्रज्ञ जो संयुक्त व्यंजन है ये एक व्यंजन से मिलकर नहीं बल्कि 2 व्यंजन से मिलकर ही बनते हैं, जैसे का और षष्ठी सा मिलकर छत बनता है, राइट, कहीं नोट कर लीजिएगा। ठीक, ता और रा मिलकर त्रा बनता है, राइट, जा और इया मिलकर ज्ञा बनता है, राइट, और बड़ा सा और रा मिलकर स्रा बनता है। ठीक, क्योंकि एक व्यंजन से नहीं बनते हैं इसलिए इनका नाम संयुक्त व्यंजन रखा गया है। आगे देखते हैं, डा और ढा को उच्छिद व्यंजन कहा जाता है, जा और फा आपके विदेशी व्यंजन है। अगला देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण एवं उच्चारण स्थान क्या है, जो स्वर हैं उसका वर्गीकरण हम उच्चारण के स्थान पर रख करते हैं। तो कंठ ताल मूर्ध और ओष्ठ ये 4 आपको देखने हैं, कंठ स्वर तालु स्वर मूर्धन स्वर और ओष्ठ स्वर। तो सबसे पहले कंठ स्वर देख लेते हैं, तो कंठ स्वर में जो है छोटा बड़ा
ये आपके कंठ स्वर की श्रेणी में आते हैं। अंक और आ भी आपके कंठ स्वर की श्रेणी में आते हैं। ठीक, तालु में छोटी बड़ी और छोटी बड़ी आपके तालु, मुंह के जो भीतर की छत का पिछला भाग होता है उसको तालु बोलते हैं। ये तालु के तालु स्वर की श्रेणी में इसको रखा जाता है। और मूर्धा में क्या है, मूर्धा में री को रखा जाता है, ए ऐ ओ औ को भी रखा जाता है। ओष्ठ में ऊ और बड़ा ऊ को रखा जाता है, ओष्ठ स्वर में ऊ और बड़ा ऊ को रखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, हिंदी वर्णमाला का पुनरावलोकन यहाँ पर दिया गया है। ये बुक जो है आदित्य पब्लिकेशन की है, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। तो अगर आप इस बुक से पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक आप खरीद लीजिए, मार्केट में आपको मिल जाएगी और निश्चित बहुत ही अच्छी बुक है। और यहाँ से आपको इस बुक से बहुत सारे प्रश्न, क्या 25 के 25 प्रश्न यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, हिंदी वर्णमाला पुनरावलोकन। तो पुनरावलोकन में क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उनको स्वर कहते हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा पॉइंट जो है, जिन स्वरों का उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हरस स्वर कहते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में हरस स्वर के से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। राइट, अब अगला देखते हैं, आगे है, जिन स्वरों के उच्चारण में हरस स्वर से अधिक समय लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो हरस स्वर है छोटा, छोटी, छोटा और री, अभी आपको ऊपर बताया गया। और मूल स्वर अगर पूछा जाता है हिंदी में तो मूल स्वर ये चार हैं, आ ई और री। ठीक, दीर्घ स्वर आपको बताया ही गया, आगर स्वर आ है, अग्र स्वर, हाँ इसको देख लीजिए, ये बार बार लगभग पूछा जाता है तो इसमें कन्फ्यूजन भी होता है। अग्र स्वर जो है ई, बड़ी और ए, ये आपके अग्र स्वर हैं। मध्य स्वर की श्रेणी में छोटा आएगा, पश्च स्वर में बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ और आ, ये आपके पश्च स्वर में आएंगे। समृद्ध क्या है, समृद्ध में बड़ी और बड़ा ऊ, अर्ध समृद्ध में छोटी, छोटा ऊ। विवृत स्वर में छोट, बड़ा, ए औ, ये आपके विपरीत स्वर में। अर्ध विपरीत में ए ऐ ए आ ओ औ। और व्यंजनों की संख्या अभी आपको बताया गया 41 है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27 है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है और उस व्यंजनों की संख्या 4 है। तो ये हो गया हिंदी वर्णमाला पुनरावलोकन। तो आज के लिए इतना ही, आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप लेख पल की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी के लिए आप यहाँ से जुड़ सकते हैं, आपको पूरी की पूरी आदित्य पब्लिकेशन की बुक आपको अच्छी तरह से समझाई जाएगी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।